44 जवानों की शहादत ने पूरे देश को आक्रोशित व आंदोलित कर दिया है। आतंकवादियों द्वारा इस कायराना कृत्य की पूरा विश्व निंदा कर रहा है और उन पर कठोर कार्रवाई के लिए भारत के समर्थन में खड़ा हो रहा है। पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज व श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज हमेशा ही शहीदों का सम्मान करते रहे हैं। कल पतंजलि का पूरा दिन इन शहीदों के नाम रहा। कल सायंकाल शहीदों की आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस हवन यज्ञ में पतंजलि विश्वविद्यालय व पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के अलावा पतंजलि के विभिन्न संस्थानों के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। पूरे दिन शहीदों की याद में छात्र छात्राओं ने कविता, गीत व भाषण के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त किया। तो हम संकल्प पाठ पूर्वक यज्ञ अग्निहोत्र करते हैं और आज का अग्निहोत्र विशेष रूप से हमारे उन शहीदों की आत्मा की शांति के लिए। वैसे तो जो वीरगति को प्राप्त होते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं, ये हमारा विश्वास है। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम। इसका तात्पर्य यही है कि जब हम देश धर्म संस्कृति सत्य धर्म और न्याय के लिए अपने जीवन की आहुति देते हैं तो हम परम गति को प्राप्त होते हैं। तो जो वीर गति को प्राप्त हो गए पुलवामा में, ऐसे 40 हमारे सैनिक और जीवन और मृत्यु के बीच में अभी बहुत से जूझ रहे हैं, उनके लिए आज का हम यह अग्निहोत्र उनकी आत्म शांति के लिए। यह हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है। वैसे तो मैंने कहा जो वीरगति को प्राप्त होते हैं उनकी परम गति होती ही है, उनके लिए विशेष रूप से हम ये यज्ञ समर्पित कर रहे हैं। अथे सरस्वती प्रार्थनोपासना विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भस्समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पी लो इसको, दूसरी बार ले लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। फिर तीसरी बार लेंगे। ॐ सत्यं यशः श्रीर्वैश्वेश्वरतां स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीदेवयजनि पृष्ठे त्रिमन्नादमन्नाद्यायादधे। ओमुद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अभ्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानश्च सीदत। ॐ अयन्तैधमात्मा जातवेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। भूर्भुवस्वर्त्य
प्राणपानभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणपानभ्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। अब सभी मिल करके राष्ट्र के योगक्षेम के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, हमारी आज़ादी, हमारी स्वाधीनता अक्षुण्ण रहे। सब मिल करके राष्ट्र के योगक्षेम के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतामाराष्ट्रे राजन्य शूरैशव्यो दिव्याधि महारथो जायताम् दोग्रीधेनुर्वोढा नद्वानाशु सप्तिः पुरन्धिर्युषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्जल छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए आत्मिक बल दीजिए आध्यात्मिक बल दीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। भारत माता के लिए जिन्होंने अर्पित की उनको हमने अपनी श्रद्धांजलि दी और पतंजलि योगपीठ का तो संकल्प ही है कि हमारा एक एक श्वास मातृभूमि के लिए है, हमारे इस पूरे जीवन की आहुति ही राष्ट्र के लिए है। हम रोज यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं तो आहुति देते हैं, ओम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदन्न मम, ये मेरा सर्वस्व राष्ट्र के लिए, अपने मातृभूमि के लिए। इस संकल्प को हम प्रतिदिन दोहराते हैं और वैसा ही हम जीते हैं। और हम संपूर्ण राष्ट्रवासियों से भी आह्वान करते हैं कि हम देश के लिए एकजुट रहें, संगठित रहें। जैसा वेद में भगवान ने भी हमें उपदेश दिया, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम, यह मात्र कोई एक प्रसंग विशेष के लिए नहीं, यह हमारे जीवन का एक सामूहिक संकल्प है कि हम सत्य के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए संगठित होकर के सामूहिक पुरुषार्थ करें और सामूहिकता के साथ अपने देश का सृजन करते हुए अपनी मातृभूमि की हम सेवा करें। आज पतंजलि सभी दिशाओं से राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए प्रयास करता है। जब मैंने ये कहा कि एक भी आतंकवादी, चाहे वो देश के अंदर उसने पनाह ले रखी है या उस सीमा पार से आता है, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। पहले तो पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त करो, पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय करो और हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे जो मानवता के दुश्मन हैं उनको जिंदा या मुर्दा भारत में लेकर के आओ, या उनको ओसामा बिन लादेन की तरह वहीं दफन कर दो। जब हमने बात कही तो जो देशद्रोही लोग हैं वो अपने ही देश में रहते हैं और वो हमको गालियां देते हैं। कल तो हम देख रहे थे कुछ सोशल साइट्स के ऊपर जो भारत की धरती से ही चल रही हैं कि पतंजलि के 20 कुत्ते मारने हैं, उनको स्वर्ग में पहुँचाना है। माने
इस तरह की आवाजें हिंदुस्तान से उठती हैं तो लगता है कि माने देश की बात करने वालों को वो कुत्तों की उपमा देते हैं। अभी भी इस देश में ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, ऐसे देशद्रोही ताकतें हैं, वो पूरी ताकत से देश को तोड़ने में लगी हुई हैं। और ऐसे मुद्दों पर भी हमारे लोग जो है वो बट जाते हैं। इसी के साथ आज के इस यज्ञ के हम शांति पाठ के साथ में इसको पूर्णता करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रद्धेय आचार्य जी व पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। जो वीर गति को प्राप्त होते हैं वो परम गति को तो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। पुलवामा में हमारे 40 सैनिकों ने शहादत दी है, अपने प्राणों को न्योछावर करके, अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे करके, अपने राष्ट्र की एकता अखंडता और संप्रभुता को क्षुण्ण रखने के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उन वीर गति और परम गति को प्राप्त भारत के अमर उन शहीदों को अपने श्रद्धांजलि देने के लिए हमने आज ये यज्ञ किया। यज्ञ आत्म शांति के लिए होता है, और जब अपने परिवार से कोई गुजर जाता है तो घरों में परिवार के लोग उसके लिए आत्म शांति के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन जो देश के लिए कुर्बान हो गए उनके लिए पूरा देश यज्ञ कर रहा है और पतंजलि योगपीठ यज्ञ कर रहा है। इस संकल्प के साथ कि उन शहीदों की शहादत, उनकी कुर्बानी वो व्यर्थ नहीं जाएगी, और इस राष्ट्र की एकता अखंडता संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए, इस देश की आज़ादी को, इस देश की स्वाधीनता को बरकरार रखने के लिए हमारा जो सामर्थ्य है हम अपने सर्वस्व को आहूत करके अपने शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे। विद्यार्थी प्रतिकार के रूप में सीमाओं पर जाकर के नहीं लड़ सकता, और उसके लिए अधिकृत सेनाएं होती हैं, अर्धसैनिक बल होते हैं, BSF, CRPF और भी हमारी अलग अलग मिलिट्री और पैरामिलिट्री की फोर्सेस हैं, वो उसके लिए काम करती हैं। हम सीमाओं पर जाकर के लड़ नहीं सकते क्योंकि उसके लिए हमें विधान संविधान हमें अनुमति नहीं देता है, लेकिन जज्बा हर हिंदुस्तानी ये रखता है कि मेरे देश की रक्षा के लिए मुझे यदि अपने आप को आहूत करना पड़े तो मैं उसके लिए तत्पर हूँ। ये हुंकार, ये संकल्प हम सब अपने भीतर रखते हैं, और उसी के चलते आज हम सब यहाँ पर पतंजलि योगपीठ में उन शहीदों की शहादत को नमन करते हुए यह उनकी आत्म शांति के लिए, उनकी परम गति के लिए, उनकी परम विश्रांति के लिए उनके लिए हमने ये श्रद्धांजलि यज्ञ रखा। जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन हमने कहा कि अब हमको कुछ बड़े कदम इस रूप में उठाने पड़ेंगे। देश के अंदर बहुत मजबूत तंत्र है हमारी सुरक्षा एजेंसियों का, आंतरिक इंटेलिजेंस का, और उनको पता रहता है कि कौन कहां पर संदिग्ध है, कौन आतंकवादी और कहां उन्होंने शरण ली हुई है। तब मैंने कहा था कि देश के अंदर कोई भी आतंकवादी या सीमा पार से कोई आतंकवादी भारत में घुस के आता है
वो एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं रहना चाहिए। इन आतंकवादियों को जो पनाह देते हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या वह हाफिज सईद हो, इनको जिंदा या मुर्दा मोदी जी को भारत लाना चाहिए, या वहीं उनको ओसामा बिन लादेन की तरह दफन कर देना चाहिए। यद्यपि इससे आतंकवादी और बौखलाए, और पतंजलि के बारे में मैंने तो पहली बार इतने नेगेटिव कमेंट्स देखे। कोई साइट्स बना रखी हैं, कोई कश्मीर के नाम पर, कोई और अलग अलग नामों के ऊपर, कि पतंजलि के इतने कुत्ते तो हमने मार दिए, इतने कुत्ते और मार देंगे, और पता नहीं क्या क्या अनाफ शनाफ, और जो है खूब जैसे एकदम पगला जाते हैं। मैंने कहा ये पतंजलि के कुत्ते नहीं, ये भारत माता के शेर हैं और ये जिंदा दिल रखते हैं। तो जो देश विरोधी ताकतें हैं वो पूरी ताकत से इस देश को तबाह करने के लिए अपना सब कुछ लगा करके, आप सोचो जिस व्यक्ति ने आत्मघाती विस्फोट किया, वो आत्मघात करने से पहले अपना वीडियो जारी करके जाता है कि मैं लोगों को तबाह करके जाऊंगा, और उसने सच में 40 से ज्यादा हमारे जवानों की जान ली है और सैकड़ों को घायल किया है। और भारत के संप्रदाय को उसने चुनौती दी है, भारत की आजादी को, भारत की एकता अखंडता को उसने चुनौती दे करके और एक बहुत बड़ा दुस्साहस किया। और आजादी के इन 70 वर्षों में 50,000 से ज्यादा लोगों की शहादत हुई है खाली सीमाओं पर, और कश्मीर की समस्या के कारण से 50,000 से ज्यादा लोगों की। तो हमने तो कहा कि पूरा देश मोदी जी के पीछे खड़ा है, और अच्छी बात है। मैंने पहले ही दिन कहा था कि इसमें कोई ओछी बात नहीं होनी चाहिए कि आज पूरा देश मोदी जी के पीछे खड़ा है। पाक अधिकृत कश्मीर में जितने भी आतंकवादी शिविर हैं, मिसाइल दागे सबको ध्वस्त कर देना चाहिए, इससे ज्यादा और अच्छा मौका कोई नहीं है। सकता एक मजबूत राष्ट्र का प्रधानमंत्री, और आज यदि ये कदम नहीं उठाता तो कब उठाएगा? और पता है सबको, हमारी एजेंसियों को भी पता है, पूरी दुनिया को भी पता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। इस समय मोदी जी ये कदम उठाते हैं तो इसमें पूरा देश उनका साथ देगा। और मैं तो कहता हूं इतना ही नहीं, पहले पाक अधिकृत कश्मीर से आतंकवादियों के कैंप ध्वस्त करो, और उसके बाद में पीओके को भारत में विलय कर दो। और यदि इतना ताकतवर मुल्क हो करके, जिसकी मिलिट्री और पैरामिलिट्री की लाखों की संख्या, जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, हमें अपने आजादी को बचाने का अधिकार है, अपने सम्मान को बचाने का अधिकार है, अपने देश को बचाने का हमारा अधिकार है, और उसमें कुछ तो बड़े निर्णय लेने ही पड़ेंगे। और अब हमने निर्णय नहीं लिए तो मैंने कहा 50,000 से ज्यादा लोगों की तो प्रत्यक्ष परोक्ष उसमें शहादत हो चुकी है। हमने अपने जानों की जाने गवा दिए, हमने शीश अनगिनत कटवा दिए, तो हमको कुछ बड़ा तो करना पड़ेगा। जहां तक प्रश्न यह है कि मैं देश के लिए क्या करूं, जब हम ऐसे अवसर देखते हैं, जब हमारे देश को आतंकवादियों के द्वारा चुनौती दी जाती है, जब राष्ट्र विरोधी ताकतें सिर उठाती हैं और हमारे दुश्मन देश हमारे देश को तोड़ने के लिए साजिशें रचते हैं, तो उसमें जिसका जैसा सामर्थ्य है, कोई किसी जाति का है, किसी मजहब का है, किसी वर्ग का है, सबको यह लगता है कि मुझे अपनी मातृभूमि के लिए क्या करना है, मैं इसके लिए तत्पर हूं। तो यद्यपि सबको सीमाओं पर जाकर के युद्ध नहीं करना है, लेकिन जब कोई ऐसी बात आए देश की, तो देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए पतंजलि योगपीठ ने, जैसे कि पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा कि राष्ट्र धर्म और अध्यात्म धर्म, राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद, ये हमारा विचार है, ये हमारा सिद्धांत है, हमारा ध्येय है। जब देश की बात आएगी तो पूरे देश में पतंजलि सबसे आगे खड़ा मिलेगा, अग्रिम पंक्ति के अंदर सब तरह से, क्योंकि हम मानते हैं कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता, देश से बड़ा कोई धर्म कोई संस्कृति भी नहीं होती, सभ्यता नहीं, क्योंकि धर्म संस्कृति और सभ्यताएं वहीं पर विकसित होती है जब हमारी सरजमी बसती है। जब देश नहीं बचेगा तो धर्म संस्कृति यहां की आवाम
कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसलिए देश सबसे बड़ा होता है और राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित सबसे बड़ा होता है। और इस शहादत में, पुलवामा में जो भी शहीद हुए हैं, हम उन परिवारों से भी संपर्क करेंगे और अभी तो पूरा देश उनके साथ खड़ा है, सरकारें भी कोई 10 कोई 20 25 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं उन शहीद परिवारों को, के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। जिस भी परिवार की आवश्यकता होगी पतंजलि उस परिवार के बच्चों को शिक्षा और संस्कार देकर के स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाएगी, क्योंकि एक दिन शहीदों की शहादत को सलाम करने मात्र से देशभक्ति पूरी नहीं हो जाती। देशभक्ति एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आप सोचिए, मैं तो देख रहा था एक 2 साल का बच्चा जिसको पता भी नहीं है कि जिंदगी और मौत क्या होती है, वो अपने बाप की चिता को मुखाग्नि दे रहा था। हम लोग जब ऐसा सोचते भी हैं तो दिल भर आता है कि 2 साल का बच्चा जिसको ये नहीं पता हो कि जिंदगी क्या होती है, मौत क्या होती है, वो अपने पिता को चिताग्नि दे रहा है। मींस उसको तो पता भी नहीं, लोग उसको सामने खड़ा कर रहे हैं, उसके हाथ से उसको चिताग्नि दिला रहे। अभी बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, बेटी 3 साल की है, बेटा 3 साल का है, पिता शहीद हो गया है। हमको पता है कि लोग 10 दिन 20 दिन आंसू बहाते हैं, फिर जिंदगी खुद जीनी पड़ती है और किस तरह से जीवन में संघर्ष करने पड़ते हैं। किसी की अभी शादी भी थी, बच्चे तक नहीं हुए थे, उन विधवाओं का क्या होगा। और आखिर ये जो बच्चे होते हैं सीआरपीएफ में और अक्सर आर्मी में, ये गांव के लोग होते हैं, ज्यादातर किसान परिवारों के बच्चे होते हैं और बहुत सामान्य पृष्ठभूमि के लोग होते हैं जिनकी आर्थिक भूमि बहुत मजबूत नहीं होती है। और ऐसी परिस्थितियों में वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। मीन्स आदमी अपना सब कुछ दांव पर लगा के अपनी जिंदगी को बचाना चाहता है, और जो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, पत्नी और बच्चों का क्या होगा, बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, इस सब को भुला करके जो देश के लिए न्यौछावर हो जाते हैं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं, इससे बड़ा कोई बलिदान नहीं, इससे बड़ा कोई त्याग नहीं, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं। तो हम अपने उन शहीदों की शहादत को, उनके त्याग को, तपस्या को, उनके बलिदान को हम सलाम करते हैं और अपना जो उत्तरदायित्व है हम उसको निभाने के लिए संकल्पित होते हैं। आप सब विद्यार्थी हैं यहाँ पर, जो पतंजलि विश्वविद्यालय में, आयुर्वेद कॉलेज में अपने अपनी शिक्षा दीक्षा पा रहे हैं। हमारे भीतर ये विचार होना चाहिए कि मेरे देश के से बड़ा कुछ भी नहीं होता। ये विचार, ये विचारधारा, ये सिद्धांत, ये आपको पतंजलि ने दिया है। आप BA MA PhD की डिग्री, BMS की डिग्री, ये तो और भी जगह पा सकते हैं, लेकिन पतंजलि का ये विचार है। अभी कुछ लोगों ने, अभी हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे लोग बसते हैं, कुछ लोग एक बस्ती पर में खड़े होकर के बोल रहे थे इन CRPF वालों को मार करके ठीक किया कश्मीरी के लोगों ने। वहाँ एक जवान गुजर रहा था, उसने विरोध किया कि आप गलत बोल रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो गए और आप जो है जो आतंकवादी हैं उनका समर्थन करते हैं भारत की भूमि पर खड़े होकर, और उन्होंने पीट पीट करके उस बच्चे का बुरा हाल कर दिया, उस जवान का। ऐसे लोग अपनी सरजमीं पर भी हैं। तो मैं इस बात को पूरी दुनिया के सामने कह सकता हूं कि जो संस्कार आपने पूज्य आचार्य जी से पाए, जो संस्कार आपने स्वामी रामदेव से पाए, जो संस्कार आपने पतंजलि से पाए हैं, वो संस्कार और विचार आपके भीतर देश और देशभक्ति को जिंदा रखते हैं, और हमारा बच्चा कभी भी देश के खिलाफ नहीं जा सकता। आजादी के नारों के नाम पर देश को तोड़ने की रोज साजिशें रचते, माने अपने मौलिक अधिकारों के नाम पर, अपने संवैधानिक अधिकारों के नाम पर, कहीं जस्टिस के नाम पर, कहीं आजादी के नाम पर, कहीं और किसी नाम पर देश को तोड़ने की रोज साजिश करते हैं। आपको पतंजलि ने विचार दिया है देशभक्ति का। दूसरा, मैं अपने देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, यह देशभक्ति है। जब देश की बात आए तो हम देश के साथ खड़े हैं, लड़ेंगे, लेकिन मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। पूज्य आचार्य जी यहां पर बैठे हैं, मैं यहां पर बैठा हूं तुम्हारे सामने, हम अनपढ़ मां बाप के घर से आए, खेती बाड़ी करना, चौकीदारी करना, सामान्य कार्य करके
अपने धर्म के, अपनी संस्कृति के लिए जीना और पाप की तरफ एक भी कदम नहीं धरना। हम लोग गांव से आए, हमने हमें पता है गरीबी क्या होती है, हमें पता है अभाव क्या होता है, भूख क्या होती है, बेबसी क्या होती है, लाचारी क्या होती है। मुंह उठा करके स्वामी रामदेव को, आचार्य भाषण जी को गाली देना, नेगेटिव बातें करना बहुत आसान है, लेकिन हमने जो किया है आपके लिए वो सीख है। महात्मा गांधी कहते थे मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, मेरा उपदेश है। आज आचार्य भाषण ने, स्वामी रामदेव ने, पतंजलि ने 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। ये हमारी देशभक्ति है, ये हमारा देश के लिए कंट्रीब्यूशन है, ये हमारे हमारा योगदान है। हमने करोड़ों लोगों को जीवन जीने का सलीका सिखाया है, हमने लाखों लोगों को रोग मुक्त किया है, जिनको बीपी था, जिनको शुगर था, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिनको कैंसर था, जिनके किडनी फेलियर थी, जिनको स्ट्रेस था, जिसको एंजाइटी थी, जिनको डिप्रेशन था, जो सुसाइड करने जा रहे थे, हमने लाखों लोगों को आत्मघात करने से बचाया है, हमने लाखों करोड़ों लोगों को बीमारियों से उभारा है, लाखों करोड़ों लोगों को रोग मुक्त करने के साथ उनको नशा मुक्त किया है, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में निराशा के स्थान पर हमने आशा और विश्वास जगाया है, और इस देश में जो देशद्रोह की साजिश रचते हैं उनके सामने हमने देशभक्ति का झंडा पूरी दुनिया में फहराया है। पूरी दुनिया में हमने भारत के तिरंगे का सम्मान बढ़ाया। इस तरह से आप लोगों को भी संकल्प लेना है कि जब एक अनपढ़ मां बाप के घर से, एक सामान्य परिवार से, एक बेबसी और लाचारी से जिंदगी के इस हर संकट और समस्याओं से जूझते हुए एक आचार्य, एक सन्यासी देश के लिए इतना बड़ा काम कर सकता, तो मैं भी अपने देश के लिए करूंगा। माने हम लोगों को संघर्षों के बीच में अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ना है। हम लोगों ने आज ये पूरा पतंजलि योगपीठ हो, पतंजलि विश्वविद्यालय हो, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज हो, चाहे वो पतंजलि गुरुकुलम हो, वैदिक गुरुकुलम हो, वैदिक कन्या गुरुकुलम हो, चाहे आचार्य कुलम हो, आज ये संस्था और संगठन जो विस्तार किया, इसके पीछे कोई पाने की भावना नहीं है। हम अपने देश में क्या सर्वश्रेष्ठ देश योगदान दे सकते हैं अपने देश को अच्छा बनाने के लिए। मैंने बार बार कहा है हम एक लाचार भारत नहीं देखना चाहते, हम अपने भारत के नागरिकों को देखते हैं। विदेशी दूतावासों के सामने वीजा लेने के लिए लाइन में लगे, मैं 10-15 सालों से जब इधर एम्बेसीज के सामने से सड़क के ऊपर से कई बार गुजरना होता है तो मैं देखता हूँ पेड़ों के नीचे धूप में, और फिर कभी कभी किसी एम्बेसी में हमको भी जाना पड़ता है वीजा लेने के लिए, क्योंकि दुनिया के 1-2 देशों को छोड़ करके, माने नेपाल और पता नहीं बाकी तो भूटान, 1-2 देशों को छोड़ करके कोई देश हमें बिना वीजा के नहीं जाने देता। अमेरिका के नागरिक को 2-4 देशों को छोड़ करके किसी देश का वीजा नहीं लेना पड़ता, क्यों? वो ताकतवर मुल्क है। मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि सारी दुनिया में भारत के नागरिक को स्वागत करने के लिए, वीजा देने के लिए लोग लाइन में लगे, हमें लाइन में नहीं लगना पड़े, इतना ताकतवर मुल्क है। अमेरिका का पासपोर्ट जिसके पास में होता है कहता है ऑन स्पॉट वीजा मिल जाएगा उसको, दूसरे देश में जा करके जहाँ अराइवल वीजा मिलता है उनको, मैक्सिमम देशों के अंदर अराइवल वीजा मिलता है। हम लोगों को अराइवल होने के बाद में वापस भेज दिया जाता है, वहाँ क्वेश्चनिंग होती है, वीजा देने के बाद में वापस भेज देते हैं यदि आप ठीक से आंसर नहीं कर पाते हैं तो। कई बार तो हम ही फंसे, वापस तो नहीं भेजा, हमसे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा योग करने जा रहे हैं, बोले कहाँ जाएंगे, मैंने कहा एड्रेस नहीं पता है, तो बोले किसको पता है, मैंने कहा ये पीछे वाले को पता होगा, इसे पूछ लो। तो हम माने, मैं इस बात को कह रहा हूं, चलो आज तो हमें दुनिया पहचानने लग गई है। भारत के आदमी को, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था जब अमेरिका और कनाडा का, ब्रिटेन का जो है वीजा लग जाता था तो वीजा लगने पर हनुमान जी का प्रसाद बांटता था कि मेरा वीजा लग गया,
भारत के एम्बेसीज में कहीं लाइन नहीं लगती वीजा लेने के लिए। हमें सब लोगों को, आप लोगों को, अभी हमने जिस तरह से पिछले 25 वर्ष मेहनत की और आगे 50 साल देश के लिए आगे संघर्ष करने के लिए तैयार है, आप लोगों को 25 वर्ष मेहनत करके ऐसा भारत लगा बना देना है जिससे कि पूरी दुनिया के लोग भारत के एम्बेसीज के अंदर वीजा लेने के लिए लाइन में खड़े। ये हमारी देशभक्ति होगी। इतना ज्यादा हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यह एक दिन की मात्र शांति सभा करने से बात नहीं बनेगी। इसके लिए जैसे पूज्य आचार्य जी बोलते हैं, तिल तिल करके अपनी मातृभूमि के लिए जीना, हजारों लाखों करोड़ों संकटों संघर्षों के बावजूद भी अपने स्वधर्म से राष्ट्र धर्म से विचलित न होना, ऐसा हमें जीवन जीना है, यह अपेक्षा आपसे हम करते। पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी आप आया करो, इन बच्चों से बात किया करो, इनको भी कुछ पाठ पढ़ाया करो। तो हमारा तो यही पाठ है कि मेरे लिए मेरा देश मेरी मोहब्बत है, मेरा देश ही मेरा सर्वस्व है। हम तो इसी संकल्प के साथ जीते हैं। ठीक है, संसार में हमें सबसे प्रेम है और सब हमारे लिए उतने ही आदरणीय हैं, उतना ही उनसे हमें मोहब्बत है जितनी हमें भगवान से मोहब्बत है, क्योंकि हम तो भगवान को मूर्त रूप में मानते हैं। ये सारा अस्तित्व भगवान की मूर्त अभिव्यक्ति है। एक एक व्यक्ति में हम भगवान की अभिव्यक्ति को देखते हैं, लेकिन देश को हम मात्र मिट्टी का टुकड़ा नहीं मानते हैं। जो हम लोग, ठीक है, कुछ लोगों को गाना अच्छा आता होगा, उनको लय स्वर ताल अच्छा आता होगा, पीछे का म्यूजिक अच्छा कर लेते होंगे, लेकिन हम लोग तो इन इन संकल्पों में बचपन से जीते रहे हैं। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरजू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याता है हमको उतना तड़पाता है तू, तुझे पे दिल कुर्बान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछुड़े चमन, तुझे पे दिल कुर्बान, तुझे पे दिल कुर्बान। इतना मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी संजीदगी अपने देश के साथ की, मेरा देश मेरी माँ है। आप लोगों को रोज हम वेद का मंत्र बोलते हैं, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। अपनी डायरी में, अपने माइंड में, अपने थॉट प्रोसेस में इस बात को हम हमेशा मजबूती से बिठा के रखें कि देश मेरा माँ की तरह प्यारा है। तो इस संकल्प के साथ आज आपने ये श्रद्धांजलि यज्ञ किया है अपने शहीदों की शहादत के लिए, और अपने आप को इसके लिए तैयार करें कि मुझे एक शक्तिशाली भारत बनाना है, आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, सैन्य ताकत की दृष्टि से। जैसे इजराइल का कोई भी नागरिक, वो कम से कम एक साल तो सेना में सेवा देता है। कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, हमारे यहाँ कहते हैं अजी हमको तो फौज में नहीं जाना जी, हम तो जी वो हैं जी, हम तो जी फला है जी, हम तो ये हर आदमी एक साल सेना में। फिर इतनी कमाई करता है वो कि आज पर कैपिटा इनकम में सारी दुनिया में यदि सबसे ज्यादा कोई ताकतवर लोग हैं तो जूस लोग हैं। पर कैपिटा इनकम पूरी दुनिया की 750 करोड़ के करीब आबादी हो गई है पूरी दुनिया की। सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम में कोई लोग हैं तो जूस लोग हैं, और वो इतने ताकतवर हैं, एक नागरिक उनका पूरी दुनिया में, एक नागरिक सिंगल। हमारे यहां तो मैंने कहा 50,000 से ज्यादा लोगों के तो सिर कट चुके हैं, शहादत हो चुकी है।
एक आदमी इजराइल का जूस आदमी कहीं पर पूरी दुनिया में मजाल, यदि उसको कहीं कोई आंच आ जाती है तो पूरा देश उसके पीछे खड़ा हो जाता है। इसी को तो नागरिकता कहते हैं। सिटीजनशिप खाली कानून नियम लादने के लिए नहीं होती है, सिटीजनशिप खाली टैक्स लेने के लिए नहीं होती है, सिटीजनशिप खाली इसलिए नहीं होती है कि हम लोग को वायलेट ना करें, हम टैक्स पे करें। सिटीजनशिप मात्र खाली कोई अपना आईडी कार्ड बनाने के लिए, कोई वीजा और पासपोर्ट लेने के लिए नहीं होती है। सिटीजनशिप इस बात के लिए होती है कि यदि आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो पूरा देश आपके पीछे खड़ा है। ऐसा ताकतवर मुल्क यदि इजराइल बन सकता है 85 लाख की आबादी वाला, तो हम अपने हिंदुस्तान को ताकतवर बनाएं, ये हमारी देशभक्ति है। और ऐसा करने के लिए हम लोगों को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर हमको ये नहीं कहना पड़ेगा बच्चों ऐसा बनो, ऐसा बनो, वैसा बनो। आप बनोगे वैसे और आपसे देश बनेगा, क्योंकि हम महान होंगे तो हमारा देश महान होगा, हम समर्थ होंगे तो हमारा देश समर्थ होगा, हम चरित्रवान होंगे तो हमारा देश चरित्रवान होगा। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सब भी ऐसे बनेंगे, हमारे देश के जवान ऐसे बनेंगे, और तब हमारा हिंदुस्तान एक बहुत ही महान देश कहलाएगा। इस संकल्प के साथ कि आप सब एक एक हमारा पतंजलि योगपीठ का जवान, हमारे विश्वविद्यालय के एक एक हमारे विद्यार्थी, हमारे आयुर्वेद कॉलेज के एक एक हमारे डॉक्टर, ये अपने आप में एक भारत की शक्ति और अभिव्यक्ति बनेंगे। हमने बार बार आपको कहा है कि मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि हूँ, मुझ में भारत बसता है। इस संकल्प के साथ आप हर पल जिए। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और उन जवानों को, उन शहीदों को जिन्होंने अपने शहादत दे करके, अपने प्राणों की आहुति दे करके, स्वयं को न्योछावर करके इस भारत की एकता अखंडता संप्रभुता की रक्षा की है, उन जवानों की शहादत को, और जो अपने पीछे एक बहुत बड़ी पीड़ा छोड़ करके चले गए हैं, जैसा कि पूज्य आचार्य श्री ने कहा, उनके परिवारों को भगवान हिम्मत दे, ढांढस दे, इस दुख से बाहर निकलने की शक्ति दे। जज्बा बहुत होता है देश के लिए, क्योंकि मैंने आज तक एक भी परिवार नहीं देखा जिस परिवार ने शहादत दी इस देश के लिए, किसी भी परिवार को कभी मैंने अफसोस में नहीं देखा है, लेकिन एक आक्रोश में ज़रूर देखा है। अफसोस नहीं है कुछ भी, एक नहीं और भी मेरे कोख से जो बच्चे पैदा हुए हैं, मैं देश के लिए कुर्बान करने के लिए, न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ, ये हमने माताओं बहनों के मुख से सुना है। लेकिन अफसोस नहीं, आक्रोश तो रहता ही है कि कब तक हम हमारे जवानों के सिर कटते रहेंगे, हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और मैंने जो कि उनको एक परिवार में एक बहुत बड़ा दर्द और बहुत बड़ा एक सदमा, एक बहुत बड़ी त्रासदी, एक बहुत बड़ी गहरी वेदना और दुख वो छोड़ करके गए, उनके परिवारों को भी भगवान शक्ति दे इस दुख से की घड़ी से बाहर निकलने में, और हम उनका संबल बनेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा करके इस देश को बचाया है।